हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं जो बनाने जा रही हूँ लंच, और लंच में आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। फिर उसके बाद आज शुभू और एकलव्य को एक गेम कराना है, और शुभू की फिर होमवर्क दोनों का, और साथ ही साथ उनको गेम भी कराऊंगी ताकि गेम के थ्रू उन्हें कुछ सिखाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच और लंच की तैयारी हो चुकी है। और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो बस अभी मेरा प्रिपेयर्ड होने वाला है गाजर का हलवा थोड़ी देर में। तो अभी मैं बनाती हूँ मूली के पराठे। चलिए, कैसे बनाती हूँ मूली के पराठे? सिंपल है, मूली के पराठे कुछ भी नहीं है, कभी बन जाते कभी फट जाते, कोई फ़ायदा नहीं है दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ मूली के पराठे। गाजर का हलवा, और आज कुकर में बना दिया क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है ना, तो जो चीज़ हाथ लग जाती है मैं उसी में बना डालती हूँ। तो आज कुकर में बन रहा है, अभी फट 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 बाहर को आ रहा है सारा। तो अभी उधर बनाऊँगी मैं पराठा मूली का। तो आप देखिए मूली का पराठा कैसे बनाती हूँ। तैयारी शुरू हो चुकी है, मूली बन चुकी है, सब चीज़ रख दी है। एक एक करके पराठे बनाती जाऊंगी और शुभ और एक लोग को देती जाऊंगी। सबसे पहले उन दोनों को ही दे रही हूँ। मूली के पराठा तैयार। एक ही पराठा बन जाए सही, अगर सही बन गया तो मेरा सारे पराठे सही बन जाएंगे। एक ही पराठे में गड़बड़ होगी तो फिर तो मामला गड़बड़ है। थोड़ा सा फैला लूँ, फटने से अच्छा है। इसको धीरे धीरे सेकूंगी, फटे ना बस, हे भगवान फटे ना फटे ना फटे ना, जल्दी जल्दी सिक जाए। तवा हो चुका है गरम, पराठा बेलने के लिए तैयार। बेसब्र हो रहा है तवा, पराठा कितनी देर में आएगा। वेरी गुड। और आज मेरा पराठा नहीं फटा, हल्का सा तेल, ये मेरा पराठा सिक गया। तो मूली का पहला पराठा अच्छे से बन गया और सिककर तैयार होने वाला है। इसके बाद मैं शुभु और एकलव्य को आवाज़ लगाऊंगी। एकदम से करारा और क्रिस्पी तैयार पराठा बनकर बिल्कुल से तैयार हो गया। और अब आ जाएगा शुभ जल्दी से खाना लेने के लिए, कभी बटर कभी सॉस, तो दोनों में यही चलता रहता है। वाओ, एक लोग को तो आ गया घुमाना। ठीक तो रहा हूँ। वेरी गुड। तूने तूने नहीं, तो अपना काम कर, तू अपना काम कर। चलो ठीक है, लेकिन वो काम तो मेरा ही है। नहीं हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी तो बाद में करूँगा इसको। कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। पापा कहते हैं यू कैन डू इट, एक लोग भैया यू कैन डू इट। यस 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 यस, यू कैन डू इट यू। तो यहाँ पर शुभु की जो एक्टिविटी मिली थी उसके साथ ही मैंने एकलव्य को भी सिखाने की कोशिश की, और एकलव्य आज की एक्टिविटी से बहुत खुश हुआ। उसे तो बैंगल क्या मिल गई, बस उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। करना क्या था कि इस एक्टिविटी में जो रेड डॉट्स थी वो 10 पॉइंट्स की होती हैं, और जो शॉर्ट छोटी ग्रीन डॉट्स थी वो 1 पॉइंट्स की होती हैं। तो इससे क्या है, बच्चों को पैसों का भी ज्ञान हो जाता है और नंबर्स का भी ज्ञान हो जाता है, 1 to 100 की काउंटिंग का भी ज्ञान हो जाता है। सुबह का वर्क भी कम्प्लीट हो
गया और इन दोनों ने गेम भी खेल लिया। एक्टिविटी बहुत ही अच्छी थी, क्रिएटिव एक्टिविटी थी, तो दोनों बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। एकलव्य को मुझे लगा कि हाँ आज इस एक्टिविटी से ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ है और उसने पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे से किया। लेकिन वही है ना कि शुभ जल्दी अपने आप को एनकरेज करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मैं ही जीतूँ। एकलव्य में क्या है कि वो सीखता है और उन चीज़ों से खुश हो रहा है। तो मैंने उसको ये चीज़ सिखानी शुरू करी कि आपने कितने पॉइंट्स डाले हैं, किस तरीके से डाले हैं, तो बस वही चीज़ें उसने सीखी हैं और बहुत अच्छे से सीखी हैं। तो लगता है कि ये हर एक गेम को सीखने की कोशिश करता है, तो मुझे अच्छा लगा कि वो सीख रहा है और अच्छा महसूस हुआ। जबरदस्त गेम, जिस गेम को खेलने से दोनों को बहुत खुशी मिली है और शुभू को ये वर्क मिला था इसलिए हमने गेम खेला है। और अगर आपको अपने बच्चों को इसी तरीके से काउंटिंग सिखानी है तो आप ऐसा गेम भी खेल सकते हैं जिसके लिए आपको इस पेपर पर डॉट डॉट बनाने हैं। जो बड़े डॉट हैं वो 10 मार्क्स के और जो छोटे डॉट हैं वो 1 मार्क्स के। तो ये इस तरीके से आप बच्चों को गेम खिला सकते हैं। बच्चों को गेम खिलाने से बहुत ज्यादा उनमें क्यूरियोसिटी आती है और वो काउंटिंग करना सीख जाते हैं। 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग को इसी तरीके से सिखाया जा सकता है। तो देखिए आज एकलव्य भी खुश हो गया, एकलव्य ने भी गेम खेला है और विक्ट्री का साइन बना दिया। हाँ, एकलव्य ने विक्ट्री का साइन बना दिया है। ठीक है, मिलते हैं अभी। अरे मम्मी रुको तो, अब हम अपने गेम का कंप्लीट कर लेंगे। रुको ना मम्मी, लेकिन जीता कौन? जीता तो कितनी बार कौन विनर हुआ? शुभू और मम्मी आज 2 टाइम्स जीते हैं तो हम दोनों विनर बन गए। और पापा और भैया, पापा और वन टाइम पर हम जीते। हम जीते, वी आर द विनर। हम जीते अभी, मैं दिखाऊं। तो अब हो गया इवनिंग का टाइम और आज की इवनिंग का जो रेसिपी थी वो थी पाव भाजी। और आज मैं एक नए तरीके से बना रही हूँ। कुकर में देसी घी डाल दिया है, सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, पानी डाल दिया, हल्की सी हल्दी डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। जब ये सब चीज़ें सीटी के लगने से, विसल्स लगने से एकदम गल जाएंगी तो फिर मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया। और एक नया तरीका आजमा लेना चाहिए क्योंकि बननी तो सभी चीज़ें अच्छी ही हैं, कभी कभी हो जाता है कि गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छी बन जाए ये भी नहीं कह सकती, पर हाँ अच्छी बनी, सभी को पसंद आ गई। फिर मैंने यहाँ पैन में कढ़ाई रख दी और उसमें मैंने ये रिफाइंड ऑयल और बटर डाल दिया, प्याज भून ली। जैसे ही प्याज भून कर तैयार हो गई तो फिर मैंने कुकर में से जो सारी सब्जी थी वो डाल दी और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने उसे मैशर की मदद से मैश करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसमें डाला पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और चुटकी भर नमक, क्योंकि नमक मैं पहले भी डाल चुकी थी सब्जी में, तो मैंने स्वाद अनुसार नमक को ही रखा कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। थोड़ा कम डल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं डलना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने मैशर की मदद से उसे चलाती रही और बहुत बढ़िया टेस्टी पाव भाजी बन गई। बस उसके बाद हमने अपना डिनर कर लिया और खाना कंप्लीट हो गया, सभी ने खा लिया। तो फ्रेंड्स, खाना पीना सब हो गया है और पाव भाजी सभी ने खा ली है, सभी को पसंद आ गई है। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। और मैंने जैसे बनाई है अगर उस तरीके से बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी बनेगी और नए तरीके से बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो बस यही है कि बच्चों को हर रोज़ एक सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहता है कि कुछ ना कुछ बनाने को मन कर जाता है। Yeah! तो अभी हम खाना खा लिया, वक्त हमने खाना खा लिया है, तो रात की आपसे लेते हैं विदाई और आपसे होप यही करेंगे कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मम्मी अभी मैंने पाव भाजी खाई, मम्मी आज तक की सबसे बेस्ट पाव भाजी बनी। तो शुभ ने कह दिया आज तक की सबसे बेस्ट पाव भाजी बनी। तो बस खाना वाना सब हो गया है और किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो बस अब सोने की तैयारी शुरू हो रही है। रात के बज रहे हैं 11, खाना तो काफ़ी देर का हो चुका था तो बस उसी काम में लग गई, किचन वगैरह की सफाई वगैरह में लग गई थी, तो बस वही काम रह गया था कि मेरे बाल ना बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि मेरे बालों की एयर फेयर कुछ गलत ही है। मैं इन्हें कितना ही संभाल लूँ लेकिन अच्छे नहीं लग सकते, अच्छे नहीं बन सकते, तो मैं इन्हें ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती कि मैं इन्हें डिज़ाइनेबल बनाऊँ। मैं सिंपल हूँ, सिंपल की तरह ही रहना चाहती हूँ।
और जब अच्छा दिखना होगा तो अच्छा भी दिख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल सिंपल हैं। तो रात का समय अब हो ही रहा है, तो चले अब सोने की तरफ चलते हैं। बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि क्लास वगैरह होती हैं। अभी भी इन बालों ने आज मुझे बड़ा परेशान करके रख दिया। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।